हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 120 रुपए के एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके बारे में एक अच्छी खबर निकल कर आई है और एक नेगेटिव खबर भी निकल कर आई है। दोनों ही खबरें हैं, तो वीडियो को यहाँ पर पूरा जरूर देखिएगा कि ये शेयर मैं किस प्राइस पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और कितना टारगेट हमें यहाँ पर अज्यूम करके चलना चाहिए। नाम देख के ये मत सोच लीजिए कि चलो जाके मैं अभी खरीदारी कर लेता हूँ यहाँ पर, इसलिए वीडियो को मैं पूरा देखने की आपको रिकमेंड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 120 रुपए का ये शेयर है, सरकारी शेयर है, ये सरकारी कंपनी है और भाई साहब पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गिरावट की झपट में भी है ये। तो ये एक झटके में तेजी बनी थी, 103 रुपए से शेयर 145 रुपए से ऊपर निकला जरूर था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगावट ये शेयर लगातार अगर हम देखें तो गिरावट की तरफ जा रहा है, 120 रुपए पर आ चुका है। लेकिन अगर आप 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, वो भी इस गिरावट के बावजूद। 28 रुपए का शेयर था, बढ़िया तेजी बनी थी, आप यहाँ पर देखिए 79 तक गया था, वापस टूट के शेयर 55 रुपए के करीब आया था, फिर से हमें तेजी देखने को मिली। देखिए इसका हाल फिलहाल में एफपीओ भी आया था और मैंने कहा था कि भैया यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, बढ़िया प्राइस पर है ये, तकरीबन 75 के आसपास का ये एफपीओ था और मैंने कहा था कि यहाँ पर एक मौका है बाइंग का, डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। और आज देखेंगे तो काफी बड़ी रैली हमने यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में आती हुई देखने को मिली भी है। एक और चीज अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जरूर है, एनएससी में देखा जाए तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब देखिए प्रमोटर ने 10% की होल्डिंग अपनी बेची थी एफपीओ के द्वारा ही, बड़ी फंड रेजिंग भी करी थी उन्होंने। एफआईएस के पास 4.32% की होल्डिंग है, 5.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने करी थी यहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.59% जितनी होल्डिंग देखने को मिली, बड़ी होल्डिंग है उनके पास भी। सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है और 65% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। अब भैया सरकार कोई अपनी ज्यादा होल्डिंग नहीं बेचेगी, इतनी होल्डिंग को अब लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करेगी, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 115 जितने एफआईएस का पैसा लगा है और हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 9.26% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.41% के आसपास देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपया आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिले हैं और वो भी इसी साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। लेटेस्ट अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि रेलवे से जो जुड़ी हुई न्यूज थी और यहाँ पर यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उससे भी ज्यादा बेहतर रेल की पटरियां भारत बना रहा है और इसमें बनाने का काम जिस कंपनी ने किया है उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए कि यूरोपीय देशों में उपयोग के लिए जाने वाली जो रेल की जो पटरियां हैं और जो उसके मापदंड है उसी के अधिक मापदंड वाली अच्छी रेल की पटरियां भारत में तैयार होने लगी है। और इस प्रकार की रेल पटरियां न सिर्फ तेज गति से चलने वाली ट्रेन को दौड़ सकती है बल्कि अधिक सामान जो लाद कर जाती है, जो मालगाड़ी जो हम गुड्स ट्रेन कहते हैं वो भी यहाँ पर काफी तेजी से और स्पीड से चलेगी और उसको बनाने का काम किया है सेल ने। और ये वाकई में अच्छी बात है, देखिए क्वालिटी के ऊपर काम होता है और अगर अच्छी क्वालिटी कोई कंपनी बनाती है तो याद रखिए आने वाले समय में उसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, उन्होंने स्टील कंपनियों को डाउनग्रेड किया है जिसमें सेल भी है, वेदांता भी है और अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। अब यहाँ पर क्या है इनका, तो सेल की जो रेटिंग है उन्होंने रिवाइज करके न्यूट्रल रखी है और लेकिन टारगेट प्राइस 135 रुपए के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है और शेयर अभी 120 रुपए के करीब है, मतलब जो टारगेट है वो एटलीस्ट इससे ऊपर ही देखने को मिल रहा है अभी के वक्त में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, मतलब ना तेजी के संकेत है ना ही गिरावट के संकेत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात करें और सॉरी 8% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे, मतलब 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है जबकि 8% लोग बेच कर निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं रेवेन्यू की मैं बात करूं तो आप देखेंगे रेवेन्यू भैया एक ही क्वार्टर में एक बहुत बड़ा जंप हमने देखा है दिसंबर में,
देखिए, इससे पहले इतना बड़ा रेवेन्यू कभी नहीं आया। इस बार देखेंगे तो दिसंबर में 19,832 करोड़ का रेवेन्यू था, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट हालांकि 1,280 करोड़ के आसपास था, जो अच्छा प्रॉफिट मैं मानता हूँ, कि इससे पहले कंपनियों को नुकसान भी हो रहा था। देखिए, 340 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 430 करोड़ का लॉस हुआ, फिर मार्च में 2,725 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन जून में 1,270 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। तो इस बार जो प्रॉफिट थे वो बेहतर है, उतने बुरे बिल्कुल भी नहीं, अच्छे प्रॉफिट्स आप इसको मान के चल सकते हैं। सेल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर टिकर टाइप पे ले चलूँ तो हाँ, इंस्ट्रिक वैल्यू जो है वो अभी भी सही है इनकी। और इतना ही नहीं, लेस दें अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, 120 रुपए के ऊपर अगर हम शेयर खरीदने की बात करें तो हाँ, अभी भी खरीदने का मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं पहुंचा है, कोई भी रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। और इतना ही नहीं, 76% ऑफ एनालिस्ट जो है उनका मानना है कि हाँ, शेयर खरीदारी के लिए अभी सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चीजें काफी पॉजिटिव नजर आ रही है अभी इस प्राइस पर, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये शेयर जब 30 रुपए के आसपास था, 50 के आसपास था, 60 के आसपास था, 70 के आसपास था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि तेजी आपको हमेशा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी, लेकिन एक तेजी के बाद एक वक्त भी आएगा जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जितनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी उससे ज्यादा की तेजी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। 145 से टूटकर शेयर 120 पर आया जरूर है, लेकिन यहाँ से तेजी की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रही, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो स्टील कंपनियां हैं उनको आने वाले समय में एक अच्छा खासा फायदा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उसमें जो इंडिया चाइना की जो स्टील की डंपिंग है उसको रोकने में काफी हद तक कामयाब हुई भी है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा कामयाब होने वाली है। और दूसरी बात यह कि जो भी कामकाज पिछले 1-1.5 साल से अटके हैं कोरोना की वजह से, उसको बहुत ही तेजी से भैया इंप्लीमेंट किए जाने हैं। तो याद रखिए, जरूरत बहुत है इन कंपनियों की, और डेफिनेटली आपको इनकी जो डिमांड है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर भी आ सकती है। सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा यहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ सेल के को लेकर, तो ये वो कंपनी है जिसने, अगर मैं डिविडेंड की हिस्ट्री दिखाऊं आपसे, तो 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया था, 2019 में पे किया, 2021 में पे किया। बोनस की अगर हम बात करें तो कोई भी बोनस अभी तक इन्होंने पे नहीं किया है, लेकिन फिर भी शेयर मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो इसका पॉजिटिव है। खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन हाँ, अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अगर आपको रिस्क लेना है तो इस प्राइस पे आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 1,000 शेयर लेने हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर 300 शेयर ले सकते हैं 120 के प्राइस पर, फिर अगर यहाँ से ये शेयर 5-6 रुपए नीचे जाता है तो आप और 200-300 शेयर ऐड कर सकते हैं, फिर वहां से 5-6 रुपए और जाता है तो आप और 200-300 शेयर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक तेजी दोबारा यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, इससे पहले भी शेयर तेजी के बाद थोड़ा रुका जरूर था, फिर तेजी आई, फिर नीचे रुका जरूर, फिर तेजी आई, फिर थोड़ा नीचे ये रुका था, फिर तेजी आई, फिर रुका था, ये फिर तेजी यहाँ पर आई है और बड़ी गिरावट आई यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बड़ी तेजी इसका इंतजार आने वाले समय में कर रही है। डेफिनेटली शेयर यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन गिरावट का दौर है, डाउन ट्रेड का दौर है, और कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो और ज्यादा सेफ रहेंगे। तो यही मैं कहूंगा, 1,000 खरीदने हो तो इस लेवल पर पहले 250-300 शेयर खरीदिए, फिर हर 5-6 रुपए की गिरावट पे आप चाहे तो यहाँ पर एवरेजिंग करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेहतर है, अच्छा है, अच्छी तेजी आप यहाँ पर उम्मीद करके चल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।